इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। विशाखापट्टनम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि एक स्क्रैप यार्ड में आग लगी है। बड़ी खबर विशाखापट्टनम से है, जहां पर एक स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लगी है और आग लगने का कारण हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, आग लगने का जो है कारण वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी है वैसे ही सूचना मिलते ही जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो मौके पर पहुंची और जो जानकारी सामने आई है कि अभी तक इस आग में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक स्क्रैप यार्ड में ये अचानक आग लगी है और घटना की जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड को मिलती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं अभी तक आग में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है और जिस तरह से आपको बताते चले कि आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र में गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से फसल में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वह इस मामले में लोगों का कहना है कि शुक्र है कि फसल कड़ी हुई थी, अगर फसल खड़ी होती तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। तो गेहूं की फसल में ये अचानक आग लगी है, जिस तरीके से आपको बताते चले कि जैसे जैसे गर्मी के मौसम आते हैं वैसे वैसे ये लगातार घटनाएं सामने आती है। जगह जगह पर भीषण, जब गेहूं के जो फसल है वो पक के जैसे ही तैयार होते हैं तो वैसे ही लगातार ये आग की घटनाएं सामने आती हैं और आग से जो किसानों का भारी नुकसान होता है लगातार, जिस तरीके से आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे जहां पर किसानों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि जब खड़ी फसल होती है और जब काटने का समय होता है, फसल पक के तैयार हो जाती है, तो उस वक्त कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर किसी चिंगारी की वजह से जो फसल है उसमें आग लग जाती है और पूरा फसल, जो किसान की मेहनत होती है वो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरीके से मैनपुरी से ये खबर है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से फसल में आग लगी है। जिस तरीके से बताते चले कि आग की खबर जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया गया।